Pahesh, today we will be talking about John Milton. Now, John Milton, he is a very important poet from the Renaissance period, and his age is known as Milton Age. In order to study this Milton, John Milton, in a proper way and easy method, मैंने एक छोटी सी story बनाई है. It is a fictional story जिसमें सारी main information दी गई है regarding his work and the year in which it is published. Only the important works has been included in this. Okay, if you like my video, kindly subscribe my channel. I hope you will like it. This is the story that I have written. On the morning of Christ's nativity, just like Christ was born, Milton was also born in 1608. He went to Cambridge to study and got fame in the world through his knowledge and talent of being multilingual. His knowledge of Latin, Greek, Hebrew, Bible and many other languages helped in writing Paradise Lost in 1667. On arriving at the age of 23, he started writing on Shakespeare. Okay, the highlighted one, the underlined lines are the writings or the main information of the Milton. Like, on the morning of Christ's nativity. This is a sonnet written by Milton, and in that he has described about the birth of the Christ. जैसे वो बॉर्न हुए थे वैसे ही मिल्टन बॉर्न हुए थे 1608 में. ठीक है, उसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए अपनी पढ़ाई करने के लिए, जहां पर उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान मिला. ठीक है, उन्होंने लेटिन, ग्रीक, हर्ब्यू, बाइबल और अदर लैंग्वेजेस स्टडी की, और यही जो लैंग्वेजेस थी इनको पैराडाइज लॉस्ट में काम आई, जो इन्होंने 1661 में लिखा. नाउ On the arriving at the age of 23, ये भी इनकी एक सोनेट है, and on Shakespeare also इनका एक वर्क है. फिर आगे स्टोरी प्रोसीड ऑन करती है. One fine day, he went on a tour. On the way, he met two people, El Agrio and Il Pensiero. Former मतलब Il Agrio was a cheerful, whereas the later one was sad. They told Milton that they had worn a mask named Camus in 1634. Now, from this paragraph, we get to know that in his lifetime, after his studies, he went for a tour to France and Italy, right? और इन्होंने दो poems लिखी थी, Allegro and Pensiero, right? जो ये word है इनका मतलब क्या है, जो पहला वर्ड है उनका मतलब है चेयरफुल, और सेकंड वर्ड है उसका मतलब है सैड, राइट? और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है पेपर में. दे हैड टोल्ड मिल्टन दैट दे हैड वॉर्न. उसके बाद मिल्टन ने एक कॉमर्स लिखा था जो कि एक मास्क है, और ये इन्होंने लिखा था 1634 में. देन आफ्टर 3 ईयर्स ही सॉ एन एलिगी called as Lycidas. ये जो Lycidas है ये एक एलिगी है जो इन्होंने लिखी थी after 3 years. After 3 years मतलब जब मास्क इन्होंने लिखा था 1634 में, जो Lycidas है वो इन्होंने लिखी 1637. Now he was happy to meet them, but after few years he got blind. After few years 1652 में ये ब्लाइंड हो गए, और इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर एक सोनेट लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस. आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड ही वॉज सो डिवास्टेटेड एंड बिगेन टू थिंक दैट पैराडाइज इज लॉस्ट. देन ही रिकॉल द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इन 1649 एंड रिकंसीडर्ड ऑफ द ट्रू रिलीजन. दिस ब्रॉट पॉजिटिविटी इन हिम. Under the guidance of his friend Thomas Elwood, he wrote Paradise Regained and Samson Agonistes in 1660.
1671. This satisfied him and he died in 1674 in the arms of Buckinghamshire. अब इसमें क्या है, इसमें दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में कि कुछ साल बाद 52 में ये ब्लाइंड हो गए और इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी. ठीक है, अब ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति में थे तो इन्होंने 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा. राइट, तो इन्होंने बीच में टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा था, ये भी इनका वर्क है जो इन्होंने 1649 में लिखा था. और इन्होंने ऑफ ट्रू रिलीजन भी इनका एक वर्क है. ये जो इनके फ्रेंड हैं थॉमस एलवुड, जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी तो उसके बाद इन्होंने पूछा कि पैराडाइज लॉस्ट तो हो गया बट पैराडाइज फाउंड के बारे में आपका क्या विचार है. तब इन्होंने मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड लिखी 1671 में, और 1671 में ही इन्होंने सैमसन अगेनिस्ट लिखा. राइट, एंड आफ्टर द 3 years ऑफ राइटिंग दीज टू ग्रेट वर्क, ये इनकी डेथ हो गई 1674 में वेयर इन बकमशर शायर. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोग्राफी ऑफ मिल्टन. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, मैन ऑफ लेटर्स, सिविल सर्वेंट भी थी. ही वॉज बॉर्न इन लंडन, बेड स्ट्रीट, चीप साइड, ऑन 9 December 1608. इनकी डेथ कब हुई, 8 November 1674 में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इंग्लैंड में हुई थी. ही इज मल्टी लिंग्विस्टिक, और इन्होंने 13 month का एक टूर लिया था फ्रांस एंड इटली में, जहां पर इनकी मुलाकात काफी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से हुई, उनमें से एक थे गैलीलियो. नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स, यू कैन चेक इट आउट. राइट, नाउ इन दिस वी कैन सी दैट इन 1652 ही गॉट ब्लाइंड. राइट, एंड ही लीव्स इंग्लैंड फॉर इटली इन 1638, जहां पर ये टूर के लिए गए थे. राइट, नेक्स्ट इज ही वॉज मैरिड थ्राइस, 3 बार इनकी मैरिज हुई. सबसे पहले मैरी पॉवेल, फिर कैथरीन वुडकॉक, और फिर एलिजाबेथ. कैथरीन के साथ इनकी मैरिज हुई 1656 में, और अगले ही साल इनकी डेथ होगी, मींस शी डाइड इन 1657. 1663 में शी मैरिड टू एलिजाबेथ, एंड शी वॉज मोर ऑफ अ नर्स फॉर द ब्लाइंड मैन देन अ वाइफ. ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, मिल्टन चैंपियन द कॉज ऑफ प्यूरिटन एंड ओलिवर क्रॉमवेल, एंड रोट अ सीरीज ऑफ पैम्फलेट एडवोकेटिंग रेडिकल पोलिटिकल टॉपिक्स इंक्लूडिंग द मोरालिटी ऑफ डाइवोर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, पॉपुलरिज्म, सैंक्शंड रेजिसाइट. मिल्टन सर्वड एज अ सेक्रेटरी फॉर फॉरन लैंग्वेजेस ऑल्सो. In 1649, he was appointed as the Latin secretary to the Council of State. As I've already told you that 1652 में इनकी डेथ हुई, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उनकी एज क्या थी जिस टाइम वो ब्लाइंड हुए थे. तो his age was 44. At the age of 44, he got blind. Now these are the few works that he had written, and just noted down. These are important. You should know which works he has written. All the works are important. So don't say that this is important and this is not important. So you can jot it down. Now, if you categorize it into fiction, drama, and sonnet, so non-fictions are of Reformation, touching church discipline in England, the reason of church government urged against clergy, the doctrine and discipline of divorce,
Aeropagitica of Education, Tenure of Kings and Magistrate, A Treatise of Civil Power in Celestial Causes. Now drama, these both are the mask, arcades and commerce. Now these are the sonnets, and these sonnets are written in the Petrarchian form. Now Wordsworth, what he said about the sonnet. He said, in a sonnet, in Milton's hand become a trumpet. In sonnet on Milton, Wordsworth ne kya likha hai in sonnet of Milton mein? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hast a voice whose sound was like the sea. अगर हम मिल्टन की बात करें, इनका जो टाइम पीरियड है, इट इज पॉपुलरली नोन एज एज ऑफ मिल्टन, विच फॉल्स फ्रॉम 1625 टू 1660. ही इज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश रेनेसा. ही इज पॉपुलरली नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट. जो बायोग्राफर है विलियम, उन्होंने इनके बारे में बोला है दैट ही इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर. मिल्टन ने जब अपनी आईसाइट खोई एंड ही गॉट कम्प्लीटली ब्लाइंड, तो उसके बाद इनका जो काम था, सबसे पहले तो इनकी डॉटर्स ने किया, उसके बाद एंड्रू मार्वल और उनके असिस्टेंट्स ने उनका काम लिखा. हिज पोएट्री एंड प्रोज, उनमें हमें क्या देखने को मिलता है? डीप पर्सनल कन्विक्शन, पैशन फॉर फ्रीडम, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल टर्बुलेंस, important issues are discussed. Now इनके जो work है उनका characteristics क्या है? Grand style है, vivid description है, power of delineating characters, simple है, sensuous है, passionate है. Extended similes, very important characteristics of his work. Majesty of expression, जैसे हमने देखा ही है मिल्टन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन में. सब्लिमिटी ऑफ थॉट. अच्छा, अगर हम शेक्सपियर और मिल्टन को कंपेयर करें, तो शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथियन एज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिल्टन है वो प्यूरिटन एज को. शेक्सपियर है वो जो पोएट है वो इम्पल्स के हैं, लव, हेट, फियर, jealousy and ambition, whereas Milton is a poet of steadfast will and purpose. Now unka jo influence hai, kin ka influence hai unke upar? Milton, he as a lover of classic literature, to classic literature ka unke upar influence tha. Jo Spencer the, unke jo Fairy Queen thi, unse bahut prabhavit hai. In his verse we find the element of Shakespeare. एंड फ्लेचर, उनकी जो क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प है, उन्होंने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये माना जाता है, ऑन द क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी जो है, क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में जो लिखी गई थी, वो इनकी फर्स्ट वर्क माना जाता है. बट ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ कफ, जो 1628 में लिखी गई है, ये उनकी फर्स्ट मेजर पोयम थी, और ये उनकी सिस्टर के बारे में है, हाउ शी डाइड. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कॉमर्स, इट वॉज रिटन इन 1634. इट इज अ मास्क, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ सॉन्ग, डांस एंड पोएट्री. इट इज परफॉर्म्ड एट castle before Earl of Bridgewater and his friend, right? So this is a little description of the commerce, and you should know about it, because questions can be asked when it was written, where it was performed, and what is important about it. So it argues for the virtuousness of temperance and chastity. Now ऑफ एजुकेशन, ये जो ऑफ एजुकेशन है 1644 में जो मिल्टन ने लिखा था, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक फ्रीडम
and how to develop discipline and independence of judgment in the school boys. Education के बारे में था, more of. फिर इन्होंने लिखा था Defensio Pro Populo Anglicano. ये एक लेटिन पॉलेमिक था, राइट. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1651. और फुल टाइटल अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इट मीन्स द जॉन मिल्टन एन इंग्लिशमैन हिज डिफेंस ऑफ अ पीपल ऑफ इंग्लैंड. ये एक प्रोपोगेंडा था और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट था, राइट. फिर द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट्स 1649. मैंने इसको इसका जिक्र अपनी स्टोरी में भी किया है. ये वो है, इट आर्ग्यूड द मैन दैट मैन हैव द नेचुरल राइट to freedom and they contract they make with the ruler are volunteer and can be ended, right. अब ये अगेन इम्पोर्टेंट वर्क है लाइसिडास. ये जो लाइसिडास है ये एक एलिगी है. ये सबको पता है कि ये एलिगी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज अ पेस्टोरल एलिगी एंड इट वॉज रिटन इन 1637. ये क्यों लिखा गया था? ये लिखा गया था ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड. और इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड इन नोबल माइंड. ये जो कोटेशन है ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, यू नीड टू जॉट इट डाउन. और ये लाइसिडास में दी गई है कि दो अलग वर्क हैं, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, यू नो यू नीड टू नो. देन वी मूव ऑन टू द एल एगिरो एंड द इल एल पेंसरो, राइट. तो ये जो फर्स्ट पोयम है, ये जो है ये टू पोयम्स हैं, विच आर द डेकोरेटिव रादर देन डिस्क्रिप्टिव, आर्टिफिशियल देन डिस्क्रिप्टिव, राइट. नाउ ये जो है इसमें ट्विन पोयम्स हैं, जो एलेग्रो है इट मीन्स अ जॉयस एंड हैप्पी मैन, पेंसरो है उसका मतलब है सैड मैन, राइट. जो फर्स्ट फॉर्मर वन है वो हियर्स अ लार्क इन द मॉर्निंग, वेयर इज द सेकेंड वन हियर्स अ नाइटिंगेल इन द इवनिंग, राइट. सो ये इनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है, काइंडली जॉट इट डाउन. नाउ वी विल स्टडी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगेनस्टोस. फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट, इसको मैग्नस ओपस कहा जाता है मिल्टन का. ये शुरुआत जब इनको लिखने की शुरुआत हुई थी, ही बिगेन राइटिंग दिस इन 1657 में ही रोट 10 बुक्स एंड इन लेटर एडिशन इट वॉज डिवाइडेड इन टू 12 बुक्स इन 1674. ये जो मिल्टन की बुक थी पैराडाइज लॉस्ट, इट वॉज सोल्ड टू ही सोल्ड द पब्लिकेशन राइट टू पब्लिशर सैम्यूल सिमन, राइट. सो यू डोंट नो अबाउट द टू होम ही सोल्ड इट, सो यू जस्ट नीड टू जॉट डाउन कि इन्होंने ये पब्लिशर सैम्यूल सिमन को दी थी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक, तो इसमें यूज ऑफ एपिथेट्स हैं. एपिथेट्स कौन कौन से हैं? सैटन को बोला गया है the fiend, the arch enemy, chief of hell, prince of darkness, serpent, because he took the shape of serpent. Jesus ko kya bola gaya hai? Beget son, godhead son of god. Acha, ye jo paradise lost hai iski ek quality hai that it begins in the media res. Now what do you mean by media res? मीडिया रेस का मतलब मिडल से शुरू हुई है, प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंड एंड नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, लीनियर ऑर्डर में नहीं है, राइट. नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? इट इज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स, देन व्हिच इज द शॉर्टेस्ट बुक? बुक नंबर 7 इज द शॉर्टेस्ट वन एंड बुक नंबर 9 इज द लॉन्गेस्ट वन. इसमें टू नरेटिव आर्क्स हैं. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट, दैट विच इज हाउ मेनी नरेटिव आर्क्स आर देयर. सो देयर आर टू नरेटिव आर्क्स इन पैराडाइज लॉस्ट, सैटन
एंड द सेकेंड इज एडम एंड ईव. इसका एक सीक्वल लिखा गया था पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट वॉज द सीक्वेंस टू इट एंड हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सैटर्न. राइट, तो ये जो बुक वन है इट बिगिन विद द इन्वोकेशन. केट्स फेल्ट दैट पैराडाइज लॉस्ट वॉज द ब्यूटिफुल एंड द ग्रैंड क्यूरियोसिटी. लमार्टिन ने क्या कहा था दैट पैराडाइज लॉस्ट इज अ ड्रीम ऑफ द प्यूरिटन एस्लीप ओवर हिज बाइबल. राइट, ये जो पैराडाइज लॉस्ट से इससे काफी अदर आर्ट जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे कि द क्रिएशन एंड एंडिमिनियन बाय द कीट. सैमुअल जॉनसन ने भी इनकी प्रेज में बोला था अ पोयम विच विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड अमंग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड. मीन्स दिस वर्क इज अपलॉडेड all over. It is inspired by the Bible story of creation, fall of Adam and Eve, rebellion of Satan against God, and Satan being outcast from the heaven. Right? अब इसके sources क्या हैं? Homer's Iliad and Odysseus, Virgil's Aeneid, and Bible book Genesis. Then main theme kya hai? The story of man's fall. Other themes are the importance of obedience to God, hierarchical nature of the universe, fall as personal fortunate. Secondary themes kya hai? Pride, jo Satan ka downfall leke aayi, envy, Satan's pride, revenge, जिससे वो एडम एंड ईव को अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो भी उनका भी डाउनफॉल हो जाए. इनफाइडेलिटी, एडम बिट्रेस गॉड, डिसोबीडियंस, रिपेंटेंस, रिडेम्पशन. ओके, नाउ व्हाट आर द सेटिंग? सेटिंग इज बिफोर द बिगनिंग, जहां से हमारा शुरुआत हुई थी. प्लेस कौन कौन सी है? हेल, chaos, night, heaven, earth. Protagonist जैसे हमें पता ही है Adam and Eve है, but main जो character है वो Satan है. Right? Major conflict किस में है? Satan, who is already damned to hell, or undertakes to corrupt God's new and beloved creation. अब ये ठान लेता है कि मैं बाकी जो लोग हैं उनका भी damnation करूंगा. Rising action, the angel battle in heaven, Satan and rebel angels, God create the universe. Then climax is Adam and Eve eating the fruit of knowledge. ये जो fruit है पूछा जा सकता है ये fruit क्या था? That was the tree of the knowledge, fruit of knowledge. Now falling action. Falling action में Adam and Eve का repentance है. Adam learn about the future of man and accept it. Motive. मोटिव है कन्वर्सेशन एंड कंटेम्पलेशन. सिंबल्स हैं द स्केल्स इन द स्काई एंड एडम्स ब्रेथ. करेक्टर्स, मेन करेक्टर्स कौन कौन से हैं? एडम, सैटन, किमोज, दीज आर द डेविल्स. राइट, ही इज वर्शिप बाय पेगन्स. इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, सबड्यू. और मिल्टन ने इसको डिस्क्राइब किया है हिल ऑफ स्कैंडल से. राइट, नेक्स्ट आर द बाल एंड एस्ट्रेट. दीज आर द टू पैगन डीटीज पैराडाइज लॉस्ट में. जो बाल है ही इज अ मेल वर्जन ऑफ फर्टिलिटी एंड एस्ट्रेट इज फीमेल वर्जन. मलोश, मलोश इज द मीन्स किंग. राइट, and he is known for his inordinate fondness of child sacrifice. Right, then Bilal is the corrupt and he in her view it is known as wicked. Right, he comes last in the list of fallen angel. So question can be asked, who comes last in the list of the fallen angel? Right, इसके बारे में मिल्टन ने क्या कहा है?
To him no temple stood or altar smoke. Mammon ye jo hai, he counsels the devil to be happy with whatever they have got. Right? Beelzebub means lord of flies. He is the second in command to Satan. So question can be asked, who is second in command to Satan? Then Beelzebub come. Right? He is the only fallen angel who comes close to Satan in the screen time. Right? Milton ne inko kaise describe kiya hai? Western by his side, one next himself in power and next in crime. Long after known in Palestine, name Beelzebub. Now we will talk about the books. Books mein kaun kaun si book mein kya kya diya gaya hai? पहली जो बुक है इट ओपन्स विद द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉल ऑफ मैन. मतलब पहली बुक में हम देख लेते हैं कि फॉल ऑफ मैन हो जाता है एंड सैटन रिबेल्स. सैटन और बाकी जो एंजल्स हैं दे रिबेल्स और बैनिशमेंट हो जाता है फ्रॉम द हेवन. जैसे ही बुक क्लोज होती है वहां पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है लैंड ऑफ फायर का एंड एंडलेस पेन का. सेकेंड बुक इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट सैटन्स कंसेंट टू अंडरटेक द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव. राइट. थर्ड बुक है इट ट्रांसपोर्ट अस टू द हेवन अगेन. यहां पर हम दोबारा गॉड से मिलते हैं. राइट. हेयर आफ्टर गॉड फोर्सिंग सेंड रेफिल टू वॉर्न एडम एंड ईव. रेफिल जो है वो एडम एंड ईव को वॉर्न करने के लिए जाते हैं कि अदरवाइज उनको हेवन से निकाल दिया जाएगा. एट द एंड सैटर्न अपीयर्स एंड मीट यूरियल द एंजल ऑफ सन इंक्वायर्स फॉर हिम द वे ऑफ अर्थ. फोर्थ बुक जो है इसमें हमें दिखाई देता है अबाउट द पैराडाइज एंड इनोसेंट स्टेट ऑफ मैन. हियर वी मीट एडम एंड ईव इन द गार्डन. रेफल टेल्स एडम ऑफ सैटर्न्स रिबेलियन The War in Heaven, The Fall of Angel. जो बुक फाइव है उसमें हम देखते हैं द ईव इज रिलेटिंग हर हर्ट एट ड्रीम टू एडम. रेफल विजिट देम इज एंटरटेन बाय अ बैंक्वेट विच ईव प्रपोजेस इन ऑर्डर टू शो हिम दैट ऑल गॉड्स गिफ्ट आर नॉट कैप्ट इन हेवन. सिक्स में ये जो स्टोरी ऊपर वाली है वो कंटिन्यू होती है. जो बुक सेवन में है वी रीड द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. एथ जो बुक है उसमें रेफल ही टेल्स एडम टेल्स रेफल अबाउट हिज ओन लाइफ एंड हाउ ही मेट ईव. सो अगर पूछा जाए कि एडम और ईव कैसे मिले थे वो कौन सी बुक में डिस्क्राइब किया गया है दैट इज इन बुक एट. नाउ नाइन बुक स्टोरी ऑफ टेम्पटेटिक बाय सैटन. Satan deceives Eve and Adam revolves to die with her. जो टेंथ बुक है उसमें रिकॉर्ड दिया गया है द डिवाइन जजमेंट अबाउट द एडम एंड ईव. इट शो द कंस्ट्रक्शन बाय सिन एंड डेथ ऑफ हाईवे थ्रू क्योर्स टू द अर्थ. Satan's returns to pandemonium. Adam and Eve repent of their disobedience. Book 11, the Almighty accepts Adam's repentance but condemns him to be banished from paradise. At the end of book, Eve feminine grief at the loss of paradise. Book 12 जो है उसमें दिया गया है it continues Michael's vision. Adam and Eve are comforted by hearing of the फ्यूचर रिडेम्पशन ऑफ देयर रेस. मतलब ये जो बुक है इसमें पूरी जो हमारी जो मैनकाइंड है उसके बारे में रेस है उसके बारे में बताया गया है एंड एडम एक्सेप्ट द होल थिंग ग्रेसफुली. करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें. एक तो ये ब्लैंक वर्ड्स में है. बहुत बड़ी पिक्चर्स है. कोलोसकल मतलब बड़ी पिक्चर्स. लॉफ्टी थॉट्स. मार्वलस मेलोडी. ये जो है हमारे बुक में बुक वन में कुछ एपिक सिमिलीज हैं तो ये उनका वर्णन है. सैटर्न्स माइटी स्टैच्यू द ड्राई लैंड ऑफ हेल. सैटर्न्स शील्ड
The Fallen Angel in Fairy Lake, The Fallen Angel in the Air, On Land, Seton's Army, कितनी बड़ी आर्मी है उसके बारे में दिखाया गया है. सेटन्स अपीयरेंस कितना स्ट्रॉन्ग है वो दिखाया गया है. द फॉलन एंजल स्वॉमिंग इन टू द पैंडामोनियम. पैंडामोनियम इज वॉट? इट इज द कैपिटल ऑफ हेल. ये सारी है जो लिस्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स. सो यू नीड टू नो डाउन हु आर द फॉलन एंजल्स. मोलॉश, किमोस, बाल्यम, एस्ट्रोथ, थामोश, Dagon, Rimmon, Belial. So these are the fallen angels. Now ये जो pandemonium है मैंने आपको पहले भी बोला है that is the capital of hell, right? और ये जो design किया गया था hell जो है design किया गया था who was the architect of that? Mulciber. Mulciber is the architect of hell. अब जो ब्लेक है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए है मिल्टन के बारे में एंड ही सेड दैट ही इज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ उन्होंने लंदन जो अपनी एक सोनेट है उसमें बोला है मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर. मतलब ही शुड बी लिविंग एट एवरी आवर एवरी पीरियड सो दैट वी कुड गेट द गुड बुक्स. Seton tells the other rebels that they can make a heaven of hell and a hell of heaven and adds better to reign in hell than serve in heaven. Seton in Paradise Lost say, what thou the field be lost, all is not lost. Matlab, kuch lost hua hai, but sab kuch lost nahin hua hai. Ab hum baat karenge Paradise Regained ke baare mein. थॉमस एलवुड मैंने अपनी स्टोरी में भी बताया है. थॉमस एलवुड उन्होंने एक बार इनकी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी एपिक पढ़ा तो उन्होंने बोला है व्हाट बट व्हाट हैड डाउ टू से अबाउट पैराडाइज फाउंड. पैराडाइज लॉस्ट इज अबाउट हाउ द मैनकाइंड इन पर्सन ऑफ एडम एंड वेयर इज द पैराडाइज रीगेन है वो अबाउट इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट. उसमें एडम है इसमें क्राइस्ट के बारे में दिया गया है. Right? Now, Paradise Regained के बारे में बात करें. It is written in four book. Hero जो हैं वो हैं Christ. Paradise Regained treats the rejection of rejection by Jesus of Satan's temptation. Paradise Lost में Satan ने Adam and Eve को tempt किया था. Paradise Regained में Satan ने Jesus को tempt करने की कोशिश की थी. राइट ये जो स्टोरी है इट इज बेस्ड ऑन द गॉस्पल ऑफ ल्यूक. इसमें दो जक्स्टापोज हैं सेटन द एम्पिरिक एडवोकेट नॉलेज एंड सेकेंड इज क्राइस्ट द प्लेटोनिक रिप्रेजेंट प्योर ट्रूथ. दो ऑपोजिट चीजें हैं सेटन एंड क्राइस्ट. सेटन ट्राइज टू टेम्प्ट जीसस इन थ्री डिफरेंट वे. Satan tempts Jesus to feed himself by the way of miracle. Satan offered Christ all the kingdoms of the world if the Christ submit to the Satan's authority. Satan brings Christ to the pinnacle of temple in Jerusalem for final temptation, but he remains faithful to his father. तो ये आपको पूछा जा सकता है कौन कौन सी temptation दी गई थी. Now we will talk about the Areopagitica. It was written in 1644 and it was a tract which opposes government licensing issues. It is also called as, yeah, very important hai, isko aur kis naam se jana jata hai, Areopagus, Forum of Athens, the place of public appeal, Mars Hill of St. Paul, right? It is in the defense of man's right to free speech. It aims to promote knowledge, text experience, strive for truth. Isme ye quotation hai, which is very important quotation. A good book is the precious lifeblood of a master spirit, embellished and treasure upon the purposed life beyond life. Right? ये जो नेक्स्ट हम बात करेंगे सैमसन एगनिस्ट. सैमसन एगनिस्ट इट इज अ ट्रेजेडी. राइट सैमसन जो है इट इज अ ग्रेट हिब्रू कैंपियन
who is blind and imprisoned by the Philistine. उसकी वीकनेस क्या है? उसके हेयर, इफ ही कट ऑफ इट दे बिकम एन ही बिकम एन ऑर्डिनरी मैन. राइट. देन वी हैव द डायलियास टेम्पटेशन, इवेंट ऑफ डैगन. ही क्विट्स हिमसेल्फ लाइक सैमसन बाय पुलिंग द हॉल डाउन ऑन द हेड ऑफ एन आर्मी एनिमी एंड हिमसेल्फ. द टाइटल ही चूजेस एम्फसिस सैमसन एज अ वॉरियर और एथलीट एंड द प्ले वॉज इंक्लूडेड विथ पैराडाइज रीगेन्ड. और ये भी पब्लिश कब हुआ था? 1671 में बाय जॉन. ऑन द टाइटल पेज मिल्टन ने क्या लिखा है? दैट इट इज अ ड्रामेटिक पोयम. अकेला ड्रामा नहीं है, इट इज अ ड्रामेटिक पोयम. ठीक है, ये भी जैसे पैराडाइज लॉस्ट है वैसे इन मीडियाज रेस में है, मतलब बीच में शुरू हुई है, प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड नहीं है. राइट. नियर द बिगिनिंग ऑफ द प्ले सैमसन हम्बल हिमसेल्फ बिफोर द गॉड बाय एडमिटिंग दैट हिज पावर इज नॉट हिज होन. गॉड व्हेन ही गेव मी स्ट्रेंथ टू शो विथल हाउ स्लाइट द गिफ्ट वॉज हंग इट इन माई हेयर. ये वैसे ही दिखाया गया है जैसे मिल्टन का है. मिल्टन और इसमें बहुत सारी रिसेम्बलेंस है. राइट. नेक्स्ट है मिल्टन डिस्क्राइब सैमसन एज बीइंग आईलेस इन गाजा. ये एक टर्म यूज किया गया है सैमसन के बारे में, फ्रेज यूज किया गया है. और यही फ्रेज एल्डस हक्सले ने यूज किया है अपनी एक नॉवल में जो उन्होंने 1936 में लिखा था. राइट. इसके थीम्स क्या है? एक्ट ऑफ वायलेंस, वेमेन, रिलीजन एंड ब्लाइंडनेस. नाउ व्हाट इज द प्लॉट ऑफ सैमसन? इट इज द बुक ऑफ जज. ही फॉलोड द सेनेका. इट इज रिटन इन प्रोज, ड्रामेटिक वन. राइट. नाउ सैमसन इज द माइट चैंपियन ऑफ इज़राइल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. राइट. देयर इज अ कोटेशन. Nothing is here for tear, nothing to wail or knock the beast, no weakness, no contempt. Right? अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिलिस्टीन में के प्रिजन में उनको कौन कौन विजिट करने के लिए आया था. तो he was visited by Manoah, his father, Deliah, his wife, Harapha and Darbagrat. So these are the very important quotations which is often we need to know. The mind is in its own place and in itself can make heaven of hell and a hell of heaven. Better to reign in hell than to serve in heaven. So with this, I conclude my today's video. Kindly subscribe the channel if you like my video. Thank you.